हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड यू आर ऑल वेलकम इन माय इंग्लिश लिटरेचर क्लास। दिस इज क्लास 4 एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड लेसन, दूसरा पार्ट ऑफ योर लिटरेचर सिलेबस। एंड दिस इज अ पोएम, दिस इज अ पोएम, यह एक कविता है। और इस पोएम में पोएट ने बताया है कि हमें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, हमें नहीं, मैं तो टीचर हूं आप सबों को, हालांकि हमें भी बनना चाहिए, फिर भी आप लोगों को गुड स्टूडेंट बननी चाहिए, गुड बननी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे उन्होंने एडवाइस किए हैं स्टूडेंट्स, क्या अच्छा होता है यदि आपके सामने भी बुक्स होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर बुक आप देखें। अब मैं वीडियो का फोकस कर रहा हूं बुक पर, ये है, और इसमें देखिए इसका टाइटल है आपको बी गुड, बी गुड, देख रहे हैं ना, अच्छा बनो। चिल्ड्रन यू आर स्वीट, आप कितने अच्छे हो, कितने मीठे हो, स्वीट माने मीठा, कितने मधुर हो, कितने आनंददायक हो। यू कैन बी स्वीटर स्टील, और अब भी इससे भी आप अधिक अच्छे बन सकते हो, इससे भी अधिक मीठे बन सकते हो। इफ यू ओबे योर पेरेंट्स एंड रिमेन थ्रिल्ड, कब कब ऐसा बन सकते हो, जब आप अपने पेरेंट्स को ओबे करोगे, अपने बड़ों का कहना मानोगे, माँ बाप का कहना मानोगे, उनके गाइडलाइंस को फॉलो करोगे और हमेशा खुश रहोगे। रिमेन थ्रिल्ड इसका मतलब है हमेशा खुश रखना, खुश रहना। आप जब खुश रहोगे, अपने पेरेंट्स को फॉलो करोगे, ओबे करोगे, तो आप अभी जितने अच्छे हैं उससे भी अच्छा बनेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर स्वीट का अर्थ है मीठा स्वाद, टेस्ट वाला मीठा नहीं है, यहां स्वभाव वाला मीठा है, मतलब कि आपका स्वभाव कितना अच्छा है, कितना मधुर है, जो सबको अच्छा कहता है, तो आप इससे भी मधुर बन सकते हो, स्वीटर बन सकते हो। कब? जब आप अपने पेरेंट्स को फॉलो करोगे और आप हमेशा खुश रहोगे और अपने पेरेंट्स को खुश रखोगे। थ्रिल्ड यानी खुश रहना, थ्रिल माने खुशी, खुश रहना, रिमेन थ्रिल्ड, खुश रहना। आप करोगे, पेरेंट्स को खुश रखोगे, खुद खुश रहोगे और पेरेंट्स को ओबे करोगे, तो आपका स्वभाव इससे भी अच्छा, प्यारा लगेगा। यहां स्वीट का अर्थ होता है प्यारा, मधुर। अगला स्टेंजा, यू आर द फ्यूचर लीडर्स, आप भविष्य के नेता, फ्यूचर ऑफ द नेशन कहा जाता है। चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चे ही होते हैं, बच्चे जितने अच्छे होते हैं वो कंट्री भी, वो नेशन भी उतना ही अच्छा होता है। बच्चे जितने हेल्दी होते हैं वो कंट्री उतना ही हेल्दी होता है, बच्चे जितने इंटेलिजेंट होते हैं वो कंट्री भी उतना ही स्ट्रांग और इंटेलिजेंट होता है। इसीलिए कहा गया है यू नीड टू लर्न, लेकिन आपको आवश्यकता है किसी, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ सीखे हुए आप कुछ भी नहीं अर्न कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कमाई कर सकते हैं, ना तो आप अर्न कर सकते हैं नेम एंड फेम, यानी ना तो नाम, ना पद यानी कोई पोस्ट, ना कोई नौकरी, ना कैरियर, ना धन संपत्ति। बिना सीखे हुए, बिना पढ़े हुए कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको इसलिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है। क्या अब देखिए तीसरे स्टेंजा में है, चिल्ड्रेन व्हाट एवर यू डू, तुम जो कुछ भी करते हो, बच्चे तुम जो कुछ भी करते हो, ऑलवेज डू द बेस्ट, हमेशा अच्छा करते हो, हमेशा कुछ भी करते हो, हमेशा अपना सबसे अच्छा परफॉर्म करो, यानी बड़ी अच्छा से किसी चीज को परफॉर्म करो और खुद से प्रतियोगिता करो, खुद से प्रतिस्पर्धा। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनी टेस्ट, और किसी टेस्ट के लिए मुहताज नहीं रहो, किसी टेस्ट के वस्तु तुम मत बनो, किसी टेस्ट से भागो मत, एंड डू गुड। अगले पैराग्राफ में है बी गुड एंड डू गुड, यू आर नो वन टू जज अदर्स, अच्छा बनो और अच्छा करो, आप ऐसा कोई नहीं हो कि दूसरे के विषय में कोई निर्णय ले सको, दूसरे का जजमेंट करने वाले आप नहीं हो। बी केयरिंग एंड लिव पीसफुली विथ योर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखो और उनके साथ शांति से रखो।
डोंट कॉल नेम्स, किसी को नाम पकड़ कर करके अरे सुरेंद्रा, अरे विजेंद्रा, अरे इस तरह के कॉल करना अच्छी बात नहीं है। आप किसी के नाम पकड़ करके कॉल मत करो। कॉलिंग नेम्स एंड टीजिंग इज रॉन्ग, किसी को इस तरह से नाम कर धर करके पुकारना या कुछ ही किसी उप नाम से चिढ़ाने वाले नाम से चिढ़ाना ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। क्यों? गॉड डजंट वांट यू टू बी बैड, ईश्वर तुम्हें खराब होना नहीं चाहते हैं, कि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप खराब बनो। हमेशा वे चाहते हैं, ही वांट्स, वो चाहते हैं कि आप बी गुड एंड स्ट्रांग, मजबूत बनो और अच्छा बनो। यानी इस कविता में कि भगवान की भी यही अच्छा है, कैसे रहना है, कैसा स्वभाव करना है, ये सारी बातों के विषय में बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपके पास पुस्तक होता तो बड़ी अच्छी बात होती, इसलिए जितना जल्दी पुस्तक की व्यवस्था कर लें। अब देखिए, इसके बाद आप देखिए, कुछ मीनिंग दे रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपने नोट्स बुक में इसको इंग्लिश के कॉपी में लिख लीजिएगा और स्पेलिंग सहित याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अतिरिक्त पाठ के लास्ट में आप देखो, एक क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, सब मैं कर चुका हूं, ये नोट्स भी कर चुका हूं। और ये देखो, एक कविता है चिल्ड्रेन, इसको पढ़ना है और इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है उसका स्पेलिंग आपको बढ़िया से याद कर लेना, ये बहुत हेल्पफुल है। वी आर इनोसेंट एंड ब्लिसफुल, द स्माइल इन आवर आईज टेल्स यू वेयर अवर जॉय लाइज, ये सब आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए, ये सारा कुछ किया हुआ है, मैं सारा कुछ आपके लिए कर चुका हूं। इस पेज पर भी देखिए, ग्रामर वाला है, सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है, सिंपल कंटिन्यूअस का यूज करना है, सब मैं आपको दे चुका हूं। इधर भी देखिए, सारा कुछ बना चुका हूं। इस तरह से आप अपने बुक्स में सारा कुछ इस तरह से कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोएम जो है सो आपका कंप्लीट हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर, इसका वर्ड्स मीनिंग, सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया। आप ध्यान से पढ़ेंगे, केयरिंग बनेंगे, अलर्ट बनेंगे, अटेंशन रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे क्लास में, तो ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स योर टीचिंग, टुवर्ड्स योर हेल्दी टीचिंग, टुवर्ड्स योर हेल्दी स्टडी। थैंक यू वेरी मच।